अगर एक मुसलमान ने जय श्री राम बोल दिया तो क्या हिंदू हो गया क्या? 70 साल से मुसलमानों को कांग्रेस डरा रही थी, धमका रही थी, और मुसलमान आज जो पिछड़े हैं कांग्रेस की देन। तुम राम को गाली बको, हम चुप रहे। तुम राम को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम सीता को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम राम सेतु को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम रामचरितमानस चलाओ, हम चुप रहे। ये कैसे हो सकता है? हमारे धर्म पे कोई आगा तो टाएगा, हम उसके टांग पर टांग रख के देंगे। आगे पूत ना पीछे पनात, इनको ABCD मालूम नहीं है। बात करेंगे सनातन धर्म की, जनेऊ धारण करेंगे, कहां कोट के ऊपर से त्रिपुंड लगा लेंगे, या तो टोपी पहन ले और या जनेऊ धारण कर ले। हम तो उन्हें दूल्हा बनाने चाह रहे, दूल्हा बन जाए। मैं तड़प रहा हूँ उनका बलीमा खाने के लिए। हाँ, कि पाकिस्तान में निकाह हो जाए तो बलीमा मिल जाए खाने के लिए। मेरे भाई, खान की खान में से ब्राह्मण कहां से निकल आया? जो सनातन नहीं डरा रावण की तलवार से, वो सनातन क्या डरेगा तुम जैसे नक्कारों से? सनातन था, है, जब तक सूरज चांद है, जब तक धरती और आसमान है, जब तक धरती और आसमान है, दुनिया का कोई माइका लाल सताना सनातन को समाप्त नहीं कर सकता। इन कांग्रेसियों को क्या दे? लग रहा है कि इस बार सनातन को लेकर जितने अटैक हो रहे हैं, जितने हमले किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को, पाखंडी, नौटंकी, सब कुछ बता दिया गया कमलनाथ को, ऐसे में जनता चुनना पसंद करेगी उन्हें? जनता शिवराज सिंह चौहान को चुनेगी। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी जनहितैषी योजना को लेकर काम करती है। हम विकास पर विश्वास करते हैं। क्या मामा आ रहे? मामा मध्य प्रदेश में भगवान सबनानी जी आ रहे हैं। अच्छा, क्यों? 100% मामा की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं। ऑटो वालों को सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। मामा आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं मामा। ठीक है, वापसी करते हैं। ऑटो वाले भैया ने भी बोल दिया कि मामा आ रहे हैं इस बार। कांग्रेस वाले कह रहे 150 पार, हम आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो गरीब आदमी, वो चाय वाला, पान वाला, ठेला वाला, दिहाड़ी मजदूर, साइकिल वाला, पंचर वाला, इस धरती पर मध्य प्रदेश में जितना भी गरीब तबका है, उनके लिए जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई। उन सारी योजनाओं को इनकी जो 1.5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इनकी सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ के प्रत्याशी PC शर्मा जी कांग्रेस के कद्दावर मंत्री थे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, PC शर्मा चुप रहे। लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, PC शर्मा चुप रहे। गर्भवती योजना जो गरीब की हितैषी योजना थी, वो योजना बंद कर दी, PC शर्मा चुप रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दी, वो चुप रहे। सारी जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी। ये गरीबों को हितैषी कहते हैं अपने आप को? इसलिए आज किसी भी गरीब तबके में जाओगे, क्या नहीं दिया? बच्चे का जन्म है तो उसकी चिंता करी, घर पर छत नहीं है तो उसकी चिंता करी, शौचालय नहीं है तो उसकी चिंता नहीं है, चिंता करी। बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसकी चिंता करी। अगर बच्ची स्कूल दूर जाना चाहती है तो 5वीं से 6वीं में जाएगी तो साइकिल, और 8वीं से 9वीं में जाएगी तो साइकिल। और साइकिल नहीं, इस बार तो 4,500 रुपए महीना बेटा बेटियों को देने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। मंदिर मंदिर का जो खेल हो रहा है, लगातार यही बात किया जा रहा है कि राम जो है और मंदिर का खेल BJP कर रही, विकास का काम नहीं कर रही। देखिए एक बात बताइए, तुम राम को गाली बको, हम चुप रहे। तुम राम को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम सीता को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम राम सेतु को काल्पनिक कहो, हम चुप रहे। तुम रामचरितमानस चलाओ, हम चुप रहे। ये कैसे हो सकता है? हमारे धर्म पे कोई आगा तो टाएगा, हम उसके टांग पर टांग रख के देंगे। हम चुपचाप नहीं रह सकते। राजनीति तुम करते हो, आखिर हिंदुओं से इतनी क्यों नफरत हो गई है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सोनिया के चमचों से जाके कहो कि इस तरह का बकवास हम किसी कीमत पर नहीं समझेंगे। हिंदुस्तान के अंदर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और जय श्री राम कहना पड़ेगा। और ये कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के लोग, यही कांग्रेस के लोग, इनके नेता मनमोहन सिंह ने हलफनामा दिया था। इन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है और इन्होंने हमारा मंदिर पर निर्माण रुकवाने का काम करा, भूमि पूजन हुआ तो अड़ंगा डाला, आज रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो पेट में तकलीफ हो रही है। हमारा मजाक उड़ाते थे, रामलला हम आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, पर आज हम तारीख बताना चाहते हैं। सोनिया गांधी सुन ले, राहुल गांधी सुन ले, कमलनाथ सुन ले, दिग्विजय सिंह सुन ले, PC शर्मा सुन ले, 22 जनवरी को हिंदुस्तान के रामलला राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और हम सभी सनातन बंधु आज उनको सादर आमंत्रित करते हैं और आए हम पूरे देश में दिवाली मनाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि राम सबके हैं, आप
सब बस बीजेपी कह रही हमारे राम है। मना किसने करा? पर राम को तो काल्पनिक तुम्हारी सरकार ने करा, हमने तो नहीं कहा। तुमने तो कहा था राम काल्पनिक है, ये मैंने तो नहीं कहा, तुम्हारी सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, ये हमने तो नहीं कहा ना। ये कह रहे हैं कि पांचों राज्यों को इस बार जीत रहे हैं राहुल गांधी, ये वादा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार मध्य प्रदेश में आ रही है। क्या लग रहा है कि पांचों राज्यों का जो जीतने की कांग्रेस वादा कर रही है कितना सच दिख रहा है? अब जिसे सपने देखने का शौक हो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिनको उन्हीं के नेता पप्पू पप्पू करते हो, उन्हीं का नेता उनका मजाक उड़ाते हो, उनकी सरकार के पूर्व मंत्री गुफरान आजम ने कहा था अरे भैया जीत बहुत हो गई है, आखिर कितना हमको अपमानित करोगे? बच्चा दसवीं में एक बार फेल हो गया, दो बार फेल हो गया, पांचवीं में चार बार फेल हो गया, कब तक? जब वो नेता बनने के लायक ही नहीं है तो काय पीछे पड़ी हो, काय हमारा मजाक उड़ा रही हो? ये उनके नेता गुफरान आजम ने कहा था। यह अध्यक्ष है, अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल। अरे अध्यक्ष रहे तो क्या हुआ? अरे मेरी सत्ता है, मैं सरकार का मालिक हूं, तो मैं औलाद को जो चाहे बना दूं। अरे कब तक पाउडर लगाओगे? तो लेकर कदा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। गुलाब जामुन क्या ऐसे मत कहिए, और राष्ट्रीय चाहिए ना, वो है ना, क्या है? हाँ। जो क्या देखिए सत्यता ये है कि जो सत्यता है वो सत्यता है, आप प्रमाण को छुपा नहीं सकते। योग्यता योग्यता होती है और योग्यता विरासत में मिलती है, और विरासत में हमको त्याग करना पड़ता है, हमको राम का आदर्श बनना पड़ता है, हमको लक्ष्मण का आदर्श बनना पड़ता है, हमको भरत का आदर्श बनना पड़ता है। और राम की मर्यादा का पालन जो करता है वही सत्ता पर रहने का काम कर सकता है और वही इस देश को राम राज्य दे सकता है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। कहा कि जो है मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद कर दिया, आप क्या कह रहे हैं? देखिए किसने कहा शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद करा? बंटाधार ने बर्बाद करा था। ये मध्य प्रदेश सड़कों में गड्ढे गड्ढे हुआ करते थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी से जाके पूछो, लालटेन और चिमनी में पढ़ा करते थे, उनका पूरा जीवन दुभर कर दिया था, दैनिक वेतन भोगियों के मुंह से निवाला छीन लिया था। बंटाधार ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि हम बंटाधार कहते हैं तो दिग्विजय सिंह का चेहरा क्यों काम में आता है? आग वहीं से लगती है जहां धुआं उठता है, इसीलिए लोग उनको बंटाधार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है। जय बीरू की जोड़ी बताई जा रही है कांग्रेस के दिग्विजय और कमलनाथ को, आप क्या कह रहे हैं, भारी पड़ेगी? जय वीरू की जोड़ी बिल्कुल सही बताई जा रही। हाँ। वो कह रहे कपड़े फाड़िए। हाँ। क्यों फाड़िए? हाँ। क्योंकि नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनना है। हाँ। कमलनाथ तो बनना है बनना, उसके बाद नकुल को बनना है। हाँ। इधर जयवर्धन को बनना है। हाँ। तो इसलिए जय वीरू की जोड़ी, वो कह रहे तुम्हें दिग्विजय सिंह ने टिकट नहीं दिया, जाइए कपड़े फाड़िए। दिग्विजय सिंह कह रहे कमलनाथ ने टिकट नहीं दिया, जाइए कपड़े फाड़िए। और रही बात, आप पप्पू की बात कर रहे थे आज, बजो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम पप्पू, अरे हम तो पप्पू की बात कर रहे हैं। पप्पू सीजनल हिंदू बनते हैं, चुनाव आता है तो जनेऊ, देखिए जनेऊ को ऐसे धारण किया जाता है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं ना, जनेऊ ऐसे धारण किया जाता है, इस तरफ से धारण किया जाता है, शिखा ऐसे रखी जाती है, त्रिपुंड ऐसे लगाया जाता है। सीजनल हिंदू नहीं है हम, कि हमने अभी चुनाव के लिए शिखा नहीं रखी, हमारी परमानेंट शिखा है ये जनेऊ, हमने परमानेंट धारण किया। जब यह अपवित्र हो जाता है तो इसको मंत्र उच्चारण करके फिर बदला जाता है, यह जनेऊ का संस्कार है, कोट के ऊपर नहीं पहना जाता। दूसरी बात मुझे बताइए कि फिरोज गांधी, फिरोज खान का लड़का राहुल, वो क्या बोलते अपने फिरोज खान का लड़का राजीव गांधी कैसे हो गया? राजीव गांधी हो गया, फिर राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी हो गया, ये सब खान परिवार चला आ रहा है। खान की खान में से ब्राह्मण कहाँ से निकल आया? एक तरफ सनातन बनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, शिखा रख लेते हैं, चुटकी चुनरी बांध लेते हैं, और फिर कहीं जाकर लालू यादव के साथ चिकन मटन बना, केदारनाथ भी तो जा रहे हैं, लगा चिकन मटन बनाते हैं। वो एक ब्राह्मण कौन चिकन मटन खाता है? हम तो चाय भी नहीं पीते, तंबाकू भी नहीं खाते, हम हैं ब्राह्मण, शुद्ध 110% ब्राह्मण। ये सीजनल ब्राह्मण बनते हैं। सनातन को कीड़ा मकूड़ा कहते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन को HIV कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, और कहते हैं राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था। अरे भैया ताला खुलवाने को क्या, जब बाढ़ आती है तो ताला तो वैसे भी अपने आप खुल जाता है। हमने तो बाबरी ढाई है, हम कार सेवक भी हैं, हम कार सेवक रहे, आज 52 वर्ष की आयु में ये कहते थे राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी, 22 जनवरी को 8 फीट के स्वर्ण सिंहासन पर भगवान राम लला, राम जन्म, पूरी बात सुनिए, राम जन्म भूमि के स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। 10 वर्ष अगर किसी बच्चे के विवाह को
हो जाए तो पत्नी भी पूछने लगती है पति से, ए भैया अपना घर कब बनेगा, ये किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे, हमारा जो देवर है वो भी कुंवारा है, उसका कमरा कौन सा होगा, माता पिता बुजुर्ग हैं उनका कमरा कौन सा होगा, अपना खुद का मकान कब होगा। माँ सीता जो है 500 वर्षों से पूछती चली आ रही होगी, आपके पास आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, ये बताइए सर आपको मामा आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात तो बस कांग्रेस करती है, आपको क्या कहना है? 70 साल से मुसलमानों को कांग्रेस डरा रही थी, धमका रही थी, हाँ। और मुसलमान आज जो पिछड़े हैं कांग्रेस की देन है, हाँ। और जो मोदी जी की सरकार आई, हाँ। उसमें मुसलमान उभरे हैं, हाँ। मुसलमानों को डराने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। हम कह रहे हैं भैया बर्बाद कर दिए मुसलमानों को, आप कह रहे मुसलमान मुसलमान आबाद हो गया बीजेपी में, मुसलमान आबाद हो गया, मुसलमान हिम्मत करके खड़ा हो गया, वो कांग्रेस मुसलमानों को बहकाती है, डराती है। 70 साल से मुसलमान आज जो पिछड़ा है, परमंदा मुसलमानों की जो मोदी जी ने बात की है, वो कांग्रेस की देन है। जो आजकल मुसलमान पहले पाने पेंच कर जो पंचर बना रहा है, ये कांग्रेस की देन है। उन्होंने सोचा जब पढ़ जाएंगे लिख जाएंगे तो हमसे हिसाब किताब पूछेंगे, हाँ, हाँ। तो ये डर था कांग्रेस का, इसलिए आप लोगों का इस्तेमाल हुआ। डरता है, हाँ। मोदी जी की सरकार में कोई नहीं डरता है, हाँ। ना हम डरते हैं ना कोई डरता है, अब अगर कोई डरता है तो कांग्रेस डरती है, क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले, हाँ। और इतने घपले किए हैं, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लो, डरते फिर रहे हैं, कह रहे हमारे पीछे ईडी लगा दी सिविल, अरे भाई तुमने घोटाले किए हैं जब भी, तो तुम्हारे पीछे ईडी सिविल लगी, हमारे तो पीछे तो लग जाए। मामा के बारे में क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि मामा तो कुछ विकास ही नहीं कर रहे हैं। अगर मामा विकास नहीं करते तो 20 साल से ऐसी कुर्सी पे बैठे होते कि आप बताइए, विकास के पुरुष, विकास के महिषा, सबको लेके चलने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले शिवराज सिंह चौहान है, जब भी तो वो आज इस कुर्सी पे बैठे हैं। राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे आप लोग, आ रहे हैं दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी, हमने तो कोई पप्पू सुना, वो तो पप्पू है, हाँ सांसद है वो, अरे भाई वो पप्पू है, पप्पू, हाँ पप्पू है वो, हम आएंगे तो आप लोग उनका कहना नहीं मानेंगे। अरे हम राहुल गांधी कौन से राहुल गांधी भैया, हमारे तो नरेंद्र मोदी है, हर घर में मोदी, घर घर मोदी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं अपने अपने आपको बताते हैं कि हमारे परिवार के लोग। अरे मैं नजर खान मोदी जी के परिवार का हूँ, वो मोदी जी के परिवार का रहूंगा। राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, अरे राहुल गांधी अब तो वो इटली चले जाए, और हमारे मोहल्ले में एक दादी पूछ रही थी राहुल गांधी शादी कब करेंगे, हमें तो नहीं मालूम, हमने तो इतनी टेंशन कहा है भाई राहुल गांधी। अरे भैया वो शादी कर ले थोड़ा उनमें दिमाग आ जाए, हाँ वो सपना देखते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने का, मैं सोच रहा हूँ अपने घर का ही कुछ मुंह बन जाए पहले, हाँ। क्या बनाना चाह रहे हैं हम तो उन्हें, दूल्हा बनाना चाह रहे हैं, दूल्हा बन जाए, हाँ। बलीमा खाया तो लग रहा है कि जो है शादी कर लेंगे तो कामयाब होंगे थोड़ा। मैं तड़प रहा हूँ उनका बलीमा खाने के लिए, हाँ। कि पाकिस्तान में निकाह हो जाए तो बलीमा मिल जाए खाने के लिए मेरे भाई। पाकिस्तान की बात अब कहाँ सला दी, वो तो कहेंगे अभी फिर दिक्कत में आए, वो ही तो करते हैं, हाँ कि ये हो जाएगा वो आ जाएगा। आप बता दीजिए 9.25 साल हो गए बीजेपी मोदी जी को, हाँ। एक मुसलमान बता दीजिए जो परेशान है, कह रहे पूरा देश परेशान हो गया, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है कांग्रेस, हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा परेशान है कांग्रेस, क्यों लगता है आपको ऐसा? कमलनाथ जी को नींद नहीं आती, हाँ। दिग्विजय सिंह के घोटाले, मैं जब भी भोपाल में आया था तो अंधेरा गड्ढे, हाँ, हाँ। अंधेर वो एक किस्सा नहीं सुना, अंधेरी राजा और चौपट राजा, जाने कौन सा किस्सा है भैया, चौपट राजा देखो पंडित जी बता रहे हैं, हम लोग शेर की तरह रहते हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ, पंडित या पठान, हाँ जय श्री राम। अरे जय श्री राम आप ना बोलिए, राहुल गांधी को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर एक सुनिए भाई, अगर एक मुसलमान ने जय श्री राम बोल दिया तो क्या हिंदू हो गया क्या, जे भी तो सलाम बोलते हैं, सलाम वालेकुम भाई, जे क्या मुहर का, हम लोग भाई भाई हैं, कांग्रेस अब इसीलिए तो डर रहा है, भारत माता की जय मातरम। लेकिन 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 ये कहा जा रहा है कि डर बहुत लगता है, कह रहे हैं कि जय श्री राम से डर लगने लगता है, लोगों को डराया, कांग्रेस को डर लगता है, सही कह रहे हैं आप, अगर जय श्री राम के नारे से किसी को डर लगता है तो वो कांग्रेस को लगता है, आप जे बोलिए ये हिंदू है, जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या अल्लाह अकबर बोलेंगे, अगर हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, जय जय श्री राम, जय श्री राम जो बोलते हैं हम बोलते हैं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी किसी से नहीं डरता,
रहा है। और ये राष्ट्रवादी मुसलमान है, ये राष्ट्रवादी मुसलमान है। आप मुझे बताइए, जो केंद्र की योजनाएं चल रही, जो प्रदेश की योजना चल रही, हमको लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना चल रही, सबसे ज्यादा पैसा मुस्लिम बहनों को मिला 36% इसी भोपाल में। भोपाल में कम से कम अभी जो विकास हो रहा था, विकास में 35 मंदिर तोड़ दिए गए। विकास में किसी हिंदू भाई ने छोटे मोटा विरोध किया, दो मस्जिद टूटने थी विकास के नाम पर, लेकिन शिवराज जी ने सोचा अगर मंदिर टूट गई तो हम बदनाम हो जाएंगे। उन मंदिर मस्जिद को बचाने के लिए 31 करोड़ का ब्रिज बनाया है राजा भोज सेतु के नाम से, आप देख लीजिए। मंदिर मस्जिद बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शिवराज सरकार ने किया है। क्या कहते हैं, मैं आंखों देखी ये बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जय श्री राम से दिक्कत है राहुल गांधी को, राम हमारे वंश रहे हैं। हाँ, क्यों दिक्कत है राम से? राम का भय मंदिर बनना है, राम का भय मंदिर बनना है। तारीख भी बता दी कांग्रेस को, कांग्रेस को तारीख बता दी 22 जनवरी को, उनको हमने न्योता भेजने वाले हैं हम। तो राहुल गांधी तो राम मंदिर को लेकर बड़ा हमला करते आए हैं राहुल। वो चुनाव आ गए तो मंदिर भी जाएंगे, वो दरगाह पे चादर भी चढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन बीजेपी दिखावा नहीं करती है, जो करती है सामने करती है। हाँ, वो दिखावा करते हैं। तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? जय श्री राम वाली बननी चाहिए। बड़े भाई सरकार क्या बनी गई, 160 सरकार शिवराज सरकार फिर बनेगी। हाँ, हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगा। और कमलनाथ? कमलनाथ तो सो रहे हैं भाई, सो रहे हैं भैया। अरे भाई सो रहे हैं, वो डर लग रहा है उनको। अभी वो आए थे तो 750 करोड़ रुपए आईफा अवार्ड में एक हीरोनी को ऐसे गले से चिपका लिया उनने। सिंधिया जी डर गए, उन्होंने कहा जे क्या कर रहा है बूढ़ा आदमी, वो हमारे साथ आ गए। इतना जानकारी रखे हुए, जानकारी रखते हैं। सुनिए एक और आपको बात बताएं, ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपनाते हम मुसलमानों के साथ, भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी पार्टी, सनातन की बात करती। ये नजर खान पठान में पंडित, आप ये बताइए योजनाओं का लाभ क्या बाजियों को नहीं मिल रहा? तो हमको तो लाडली बाजी योजना कर देना चाहिए था। तुम करके बताओ ना, हमने राम मंदिर की बात करी, रामशिला पूजन, अयोध्या में राम रथ यात्रा हमने निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, ठप्पे से कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये चिल्लाते रहे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तुम्हारे सलमान बता रहा है राज में तारीख नहीं बताएंगे, बता रहा है 22 जनवरी को भय उद्घाटन हो रहा है राजधा में, तारीख नहीं बता पाए। जैसे ही भाजपा का राज आया तारीख भी बता दी, 22 जनवरी को रामलला 8 फीट के जो है स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। और रही बात आप तुष्टीकरण की बात कर रहे तो मुझे बताइए कि डेंगू मलेरिया और HIV पॉजिटिव सनातन को खत्म करने वाली पार्टी को हम तिलकधारी लोग वोट देंगे? हम बिल्कुल नहीं देंगे, और नजर खान भी नहीं देंगे। ये बताइए कि राम मंदिर का तो ऐलान आप जय श्री राम आप बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस को हमने जय श्री राम बोल दिया तो क्या हम हिंदू हो गए? इन्होंने अल्लाह अकबर बोल दिया तो क्या मुसलमान हो गए? ये कांग्रेस की सोच है, डराती है। अरे भैया वो जय श्री राम बोलते, अरे हिंदू भाई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। दंगे हो जाते जय श्री राम? अरे दंगे होते थे 9-10 साल से, एक दंगा बता दो, एक किसी मुसलमान को परेशान बता दो हिंदुस्तान में जो ओबीसी मुसलमानों को बेकाता है, राहुल गांधी बेकाते हैं, ये सब नकली लोग हैं। आपको बता दूं मोदी जी, जय श्री राम से परेशानी है, जय सिया राम से नहीं है। वो कहते हैं हम जय सिया राम बोलेंगे। बेवकूफों, काय के फर्जी सनातनी हो, फर्जी जो है तुम हिंदूवादी हो। श्री कौन है? श्री मां जानकी है। श्री अगर आगे जिसके लगेगा वो मां जानकी का नाम होगा। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में जो है श्री जो है वो राधा है, राम में जो है वह मां जानकी है। तो ये श्री शब्द ही जो है वो श्री शब्द जो है वो मां का शब्द है। इनको क्या मालूम आगे पूत ना पीछे पनात, इनको ABCD मालूम नहीं है। बात करेंगे सनातन धर्म की, जनेऊ धारण करेंगे कहां, कोट के ऊपर से त्रिपुंड लगा
निकालेंगे। अरे धोती पहनना जिस पप्पू को नहीं आती वो पंडित बना फिरेगा, हमसे बताए धोती हम कैसे पहननी जाती है, त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है, शिखा कैसी रखी जाती है, इसका पालन कैसे किया जाता है। हम लोगों से पूछे या तो टोपी पहन ले और या जनेऊ धारण कर ले, दोनों में से डिसाइड तो कर ले, वही डिसाइड नहीं कर पा रहा बेचारा जो है वो थोड़ा टैंक भर जाता है खाली करने, इटली चला जाता है। पंडित जी सही कह रहे हैं, ऐसे मैंने टोपी पहन ली ना तो बिल्कुल सही कह रहे, दो में से एक काम कर ले, दिखावा नहीं करे, या तो जनेऊ पहन ले या टोपी पहन ले, ताकि उसको पता तो चल जाए है कौन। अरे आप कह रहे हैं वो तो सबके हैं, खान का नाती है वो, कह रहे कभी जो है कभी ये बता रहा है खान का नाती है वो। फिरोज खान का लड़का कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी का लड़का कौन? राहुल गांधी। फिरोज खान का लड़का राजीव खान। राजीव खान का लड़का राहुल खान। राहुल खान की अम्मा कौन? प्रियंका सोनिया खान। राहुल खान की बहन कौन? प्रियंका खान। और प्रियंका खान ने किसी हिंदू से शादी क्यों नहीं करी? बडेरा से करी है, बाडरा ईसाई से, क्योंकि ब्राह्मण से नहीं करती। कौन ब्राह्मण करेगा? तू वहां मटन खा रही है, गाय का मांस खा रही है। ये बताइए कि आप लोगों को हमेशा यही कहा जाता है कि बीजेपी राम के नाम से डराती है, जय श्री राम बोल के दंगे करवाती है, आपको ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, कब कराया दंगा? कभी तुमने सवा नौ साल प्रधानमंत्री मोदी जी को हो गई, अभी 24 में पूरी 10 साल हो जाएंगी, अभी आप एक भी दंगा बता दो, एक भी दंगा नहीं हुआ है 10 साल में। इतने अच्छे 370 हटा दी, क्या दंगा हुआ? अयोध्या का केस हटा दिया, क्या दंगा हुआ? नहीं हुआ ना। कश्मीर का हल हो गया, क्या दंगा हुआ? क्या नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक कर दी, क्या दंगा हुआ? क्या कांग्रेस सिर्फ डराने का काम करती है, मुसलमानों को बहकाने का काम करती है। अब मुसलमान आगे बढ़ चुका है, पढ़ लिख चुका है, मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान अगर डरता तो सिर्फ अल्लाह से डरता और किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी जो कहते हैं उसका क्या कि मुसलमानों को पूरे देश में डराया जा रहा है, मोदी जी निकालने की बात करते हैं, लगातार उनके खिलाफ हैं। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो उनका सुनेगा कौन? राहुल गांधी बोलेंगे तो हमारे भाई कुछ ऐसे हैं, हाँ। वो उनको सुनते भी हैं, हाँ। लेकिन वो क्या है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, हाँ। तो समझते नहीं है, हाँ। लेकिन अब मुसलमान जाग गया है, हाँ। समझ गया है कि हमें 70 साल से बेवकूफ अगर कोई बना रहा था, हाँ। तो वो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस थी, लेकिन अब झांझे में आने वाला नहीं है। इस बार सरकार किसकी बन रही है मध्य प्रदेश? इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। कमल का फूल खिल रहा है और खिल के ही रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा योग अब मुसलमानों का रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश शुक्ला। हाँ शुक्ला भाई बताओ किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी। क्यों बननी चाहिए? कमलनाथ क्यों नहीं? कमलनाथ ने करप्शन किया है और गरीबों गरीब किसानों के पैसे नहीं बांटे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? राजेश मिश्रा। हाँ मिश्रा भैया बताए किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ नहीं आएंगे? कमलनाथ नहीं आएंगे, करप्शन ना थे वो। कौन आ रहा है? क्या बता? चलो तो ये एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश थी, मध्य प्रदेश से लगातार हम बातचीत कर रहे थे, आपको सुना रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ऐसे में हिंदू मुसलमान क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, साथ ही अन्य योजनाओं को लेकर। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे द न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।